लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडल यानी MIDC पैसे कमाने की होड़ में ऐसा कुछ करने लगी है जिससे नोइंबई में बाढ़ की तबाही पैदा हो रही है। बीजेपी जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत ने मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर को शिकायत देकर एक विशेष समिति गठित करने और गटर नालों की जमीन बेच रही MIDC को तत्काल रोकने की मांग की है। रामचंद्र घरत ने कहा कि MIDC की ऐसी गलतियों से पहाड़ी से उतरने वाली बारिश का पानी नोइंबई में बाढ़ और बर्बादी का जरिया बन सकता है। देखिए रिपोर्ट। तस्वीर में दिख रहा है यह नोइंबई का वो पहाड़ी इलाका है जहां एक तरफ पत्थर खदाने हैं तो दूसरी तरफ पूरा शहर जो हर साल बारिश और बाढ़ के पानी में डूबने को मजबूर है। बीजेपी के नोइंबई जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत इसके लिए MIDC को जिम्मेदार मानते हैं जो जल निकासी के लिए बनाए गए गटर और नालों की जमीन बेचकर मुनाफा कमाने में जुटी है। उन्होंने कहा कि बड़े नालों के नहीं होने से पानी सीधे सड़क पर आकर रुकता है और छोटे नालों से ओवरफ्लो होकर जल जमाव का कारण बनता है। उन्होंने कहा कि नोइंबई के लिए बाढ़ के खतरे का बड़ा अल्टीमेटम है जिसे तत्काल रोकना जरूरी है। एक्चुअली ना न्यू बॉम्बे में 4 प्राधिकरण काम कर रहे हैं, MIDC, PWD, सिडको और महानगर पालिका। पूर्व में वहाँ पे MIDC है, वहाँ पे पहाड़ है, वहाँ पे पूरे इसकी औद्योगिक क्षेत्र है। पीछे हम लोग थाने बेलापुर रोड आते हैं वो PWD के अंडर है, उसके बाद फिर सिडको और महानगर पालिका है। तो मैंने अभी उनसे ये कहा है कि MIDC ने अपने ज़मीन पर जितने हमारे पहले नेचुरल जितने नाले थे उसमें से बहुत सारे नाले के ऊपर उन्होंने प्लॉट दे दिए, छोटे मोटे नाले रह गए। ऊपर से पहाड़ से होते हुए जो बारिश ज़्यादा होता है तो पहाड़ से बहुत बड़ा बारिश आता है, फिर वो बारिश इधर आके PWD के वो रोड के वजह से वहाँ पर अटकता है, तो अटकने से वहाँ पे पानी जमा होता है। उसके बाद जो जो नाले हैं वो नाले के वजह से ओवरफ्लो होकर पानी इस तरफ आता है। तो ये सब आने वाले टाइम में न्यू बॉम्बे के लिए बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, बहुत बड़ा धोखा है, ऐसा मैंने उनके अभी कान में भरा है। बताना जरूरी है कि नोइंबई में पारसिक पहाड़ियों के किनारे स्लम इलाके बसे हैं। जाहिर है बारिश का पानी सबसे पहले इन्हीं स्लम इलाकों में जाता है। नालों के नहीं होने से सबसे पहले यही इलाके डूबते हैं, फिर पानी पूरे शहर में फैल जाता है। जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत ने इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित करने की मांग की है जो जल जमाव और जल निकासी की समस्याओं का आकलन करे ताकि इसका स्थायी समाधान निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि MIDC को रोकना जरूरी है क्योंकि वो जमीन बेचकर पैसे कमाने में जुटी है। यदि ऐसे ही नाले खत्म होते गए तो नोइंबई के लिए घातक हो सकता है। तो मैंने लास्ट ईयर में PWD के एग्जीक्यूटिव और हमारे एग्जीक्यूटिव से एक मीटिंग लगाई थी और उनको कहा था कि इनको कहाँ से कैसा अपने को पास देने को मिलता है, ऐसा दे दो। मैंने अभी बोला कि कमिटी स्थापन कीजिए, उसके बाद स्टडी कीजिए, उसके बाद स्टडी करने के बाद आप समझ जाएंगे कि ये बहुत कुछ गलत काम हो रहा है। तो PWD को सपोर्ट करो, आने वाले इस एरिया में सिडको को सपोर्ट करो, MIDC को रोको जो अपने अपने नाले को छोटे करके प्लॉट दे रहा है और अपना पैसा कमा रहा है। आगे आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे, ये प्लॉट देते जाएंगे और नाले बंद होते जाएंगे और आने वाले टाइम में बहुत बड़ा यहाँ पे नुकसान हो सकता है, यहाँ पे बाढ़ आ सकती है। उसके ऊपर मैं हमेशा बोलते रहूँगा और कमिश्नर से इस चीज़ के लिए मैं काम करा के लेने का बहुत प्रयास करूँगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।